आज के दौर में हर युवा बाइक का दीवाना है। युवाओं और बाइक लवर्स का एक वर्ग तो ऐसा ही है जो बुलेट की सवारी को शान की सवारी समझता है, और ऐसा हो भी क्यों नहीं। लुक से लेकर आवाज और स्टाइल से लेकर मजबूती, हर चीज में ये आपको दीवाना बना देती है। अब ऐसे युवा जो बुलेट के नए वेरिएंट का वेट कर रहे थे, या फिर यूं कहें कि जो लोग बुलेट की सवारी पसंद करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल रॉयल एनफील्ड अब बड़ा धमाका करने जा रहा है, और इस धमाके की गूंज दूर दूर तक अभी से सुनाई देने लगी। अब रॉयल एनफील्ड अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रहा है। इसकी विशेषता के बारे में और इसके खासियत से लेकर इसके दाम के बारे में आप जानेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। दरअसल रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक को रॉयल एनफील्ड और स्टार्क मोटर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। ये मोटरसाइकिल 2024 में लॉन्च हो सकती है। ये रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होगी। रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक में एक 4180 WH की क्षमता वाली लिथियम आयन बैटरी होने की संभावना है। ये बैटरी मोटरसाइकिल को एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। मोटरसाइकिल में एक 3kW का इलेक्ट्रिक मोटर है जो 52 हॉर्स पावर और 120 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। ये मोटरसाइकिल 0 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार केवल 4.5 सेकंड में पकड़ने में सक्षम होगी। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक की डिजाइन पारंपरिक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों के समान है। इसमें एक गोल हेडलाइट, एक लंबी टेल लैंप और एक चिकना बॉडी है। मोटरसाइकिल में एक आरामदायक सीट और एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक में कई आधुनिक सुविधाएं भी हैं, जिनमें एक 7 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एक क्रूज कंट्रोल शामिल है। रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक की कीमत 1,25,000 रुपए से शुरू होती है। यहाँ रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक के कुछ प्रमुख फीचर्स दिए गए हैं जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। 4180 WH की क्षमता वाली लिथियम आयन बैटरी, इसके अलावा 150 किलोमीटर की रेंज, 3kW का इलेक्ट्रिक मोटर, 52 हॉर्स पावर और 120 Nm का टॉर्क, 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार केवल 4.5 सेकंड में, पारंपरिक रॉयल एनफील्ड डिजाइन, आरामदायक सीट, अच्छी तरह से डिजाइन किया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके अलावा 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और इसके अलावा क्रूज कंट्रोल भी आपको मिलता है। रॉयल एनफील्ड अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इस बाइक के नाम को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे कोड नेम एल दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक कोड नेम एल को लॉन्च करने के साथ ही इस सीरीज को एक्सटेंड करते हुए LA1, LAB और LAC कोड नेम वाली बाइकों को भी लॉन्च करेगी। रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक बाइक के डिजाइन को लेकर कंपनी ने अभी कोई खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट की माने तो इस बाइक का डिजाइन कंपनी की मौजूदा बुलेट 350 जैसी होगी, लेकिन इसे काफी हल्के मेटल से बनाया जाएगा ताकि कम वजन के साथ लंबी रेंज का आनंद लिया जा सके। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड अपने इलेक्ट्रिक बाइक का निर्माण चेन्नई स्थित प्लांट में न करके चेन्नई में ही चेयर में नई अधिग्रहण की गई 60 एकड़ जमीन पर नया प्लांट बनाकर उसमें करेगी। आयशर मोटर्स ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोडक्शन के लिए 1,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा भी इस दौरान कर दी। तो कुल मिलाकर बुलेट के नए वेरिएंट को अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार और करना होगा। इसके बाद आपको नए जमाने की बुलेट देखने को मिलेगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।